आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं निशांत गौतम। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com। सोशल मीडिया पर देखने के लिए टाइप करें के मास। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं पुणे के भीमा कोरे गांव में, जहां पर ये सौर दिवस आज जो है 206वां सौर दिवस यहां पर लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है, जहां पर बाबा साहब हमेशा आते जाते थे। आज बाबा साहब के अनुयायी यहां पर इतने ज्यादा है, हम इस विजय स्तंभ को दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से आएंगे, विजय स्तंभ को दिखाएं। और यहां पर आप देख रहे हैं कि कितने लोग जो है यहां पर बाबा साहब के इस विजय स्तंभ को देखने के लिए यहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहां पर इतनी व्यवस्था की गई है कि इस सौर दिवस के उपलक्ष्य में जो है आज पूरा जो है ये विजय स्तंभ है। यहां पर 500 मुहारों ने मिलकर के 28,000 पेशवाओं का खात्मा किया था। ये विजय स्तंभ जो है कितनी ऊंचाई पर है आप देख सकते हैं। यहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और आप देख सकते हैं कि विजय स्तंभ की सजावट जो है फूलों से की गई है। ये इस विजय स्तंभ को फूलों से सजाया गया है और यहाँ पर लोग इस सौर स्तंभ को, इस सौर दिन के बाद विजय स्तंभ को लोग सल्यूट मारने के लिए यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है तमाम दूर दराज से लोग यहाँ पर आकर के इस विजय स्तंभ को देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ से लोगों को घूम करके देखने के लिए व्यवस्था की गई है, तब बैरिकेडिंग की गई है और इस बैरिकेडिंग के सहारे जो है इस विजय स्तंभ को किनारे किनारे से लोग देख रहे हैं। ये स्तंभ जो है ये पूरी व्यवस्था के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि ये विजय स्तंभ जो कितनी ऊंचाई पर है। इस विजय स्तंभ को बाबा साहब हर साल सैल्यूट मारने के लिए आते थे, उन 500 वीर सैनिकों को जिनको आज यहाँ पर बाबा साहब के अनुयायी हर वर्ष सैल्यूट मारने के लिए आते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने जो है लोग यहाँ पर आप देखते रहिए, पूरा अभी तो ये शाम का वक्त है, अभी सुबह जो है यहाँ पर और भी अधिक भीड़ होने की संभावना है। जैसा लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस विजय स्तंभ को देखने के लिए, इसके दर्शन करने के लिए, इसको सल्यूट करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर अभी सुबह लगभग 12 बजे रात को जो है यहाँ पर एकत्रित होंगे और इस विजय स्तंभ को लोग जो है सल्यूट करेंगे। और आप बने रहिए के मास न्यूज के साथ।